से आपको लगता नहीं कि करेंगे तो जब आएंगे, जब पता चलेगा, फिर ये तो पता इम्तिहान है, चलेगा। ये इम्तिहान है, हम चले सबका आखिरी मुझे ये इम्तिहान बता दें, वो जो मार्च था उसके बाद आपका कोई बयान नहीं रद्द मिल नहीं आया। क्या उन्होंने अपने मैं मंशूर में बता कहा रहे भी हैं? है कि हमारा ये मंशूर है। बिल्कुल, देखें, मेरे लिए हर शख्स जो आफिया के लिए कुछ भी करता है वो बहुत है, और उन्होंने जो इज्जत दी थी और एक हकीकी भाई वाली मोहब्बत, वो मोहब्बत जो फील होती है, जो मेरी अम्मी ने फील की और उनका जो लॉस था। मैंने बात सुनी थी कि जो जमात पहले कुछ करके दिखाएगी, ठीक है, वादे तो बड़े करते रहते हैं, तो एक जमात है तहरीक लबिक पाकिस्तान, उसके रनों से उम्मीद है मौजूदा करेंगे ये। अब अभी आ रहे हैं इलेक्शन के, वोट और सिलेक्शन जो है ना इस कौम की, वो ही हुक्मरान होंगे, नज़र भी ये आ रहा है, तो कैसे ये मुमकिन हो सकता है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं यासिर सुल्तान। 20 साल गुजर चुके हैं और हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बड़े दावे किए गए और बड़े वादे किए गए, एक इलेक्शन फिर आ रहा है, सेम वही जो है वो मश्क दोहराई जाएगी, लेकिन कोई रिहा ना कर सका। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आफिया के लिए आवाज़ उठाई। जज़ाकअल्लाह। अच्छा मैम, मैं आपकी बातें सुन रहा था और इसमें कोई शक नहीं है कि वादे होते रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आप इस कौम के नौजवानों को गैरत दिला रही थी, और 20 साल से मेरे ख्याल से यकीनन आप गैरत दिला रही होंगी, लेकिन 20 साल गुजर गए हैं, क्या गैरत नहीं आ सके? देखिए, ये कारवाने गैरत है, चलता रहेगा। आपको पता है ना, जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना, पासमां मिल गए काबे को सनम खाने से, तो बस यही डर लगता है कि तलाश में। देखिए बिल्कुल, आप देखें कि मैं हर जगह सनम खाने भी गई हूँ आफिया का केस लेके, और अपने वतन में भी हूँ, और नहीं, आप आज देखें माशाल्लाह हाजिरी देखें बच्चों की, बगैर किसी वसाइल के, बगैर किसी ट्रांसपोर्ट, बगैर किसी उसके, कहाँ कहाँ से आए हैं ये, तो गैरत तो जिंदा है और जाग रही है, बस एक चिंगारी है, बड़ी सरखेज है, बहुत वो है, थोड़ा सा इसको नम करने का है। लेकिन मैम, सवाल ये है, ये सवाल ये है कि माशाल्लाह आपने, आपकी स्पीच अच्छी लगी, बातें अच्छी लगी, आप कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन आता है ना, वो आपकी भी बात है, आपने भी की थी कि वोट और सिलेक्शन जो है ना इस कौम की, वो ही हुक्मरान होंगे, नज़र भी ये आ रहा है, तो कैसे ये मुमकिन हो सकता फिर? इस पे भी तो नौजवानों को सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल, देखें, नौजवान अभी कोई सियासतदान, सियासी हीरो कोई वो बुलाता है और वो करता है कि दुनिया है ना, दुनिया में चमक धमक होती है, उस चमक धमक के लिए सारे कितना हुजूम लगा के सियासतदानों के पीछे नारे लगा रहे होते हैं, उस वक्त वो ये भूल जाते हैं, वो खाली उन नारों और उसकी एड्रेनलिन रश के अंदर वो महव हो जाते हैं। क्यों नहीं सोचते नौजवान ये? कोशिश, इनके दिल में दर्द है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन वो अपना जो है ना रहनुमा नहीं चुन पाते जो ये करे। देखें, ये वजह जो है ना एक जनरेशन गैप की है। आप देखें कि पूरा सिंध फतह कर लिया एक 17 साल जनरल ने, राइट, तो वो भी तो नौजवान था ना, लेकिन उसकी सोच अलग थी। हमारा तालीमी निज़ाम, आफिया ने यही तो था ना कि मैं पहले 10 साल तालीमी निज़ाम, जो पहले 10 साल का निज़ाम होता है तालीम का, वो इंसान को शख्सियत बनाता है और बिगाड़ता है। यहाँ पे नौजवानों को सोच की नहीं, रट्टा लगाने को कहा जाता है ना, तभी नंबर आएंगे। आपको सोचने का, अगर कोई नौजवान अपनी तरफ से ओन वर्ड्स में लिखेगा तो टीचर कहेगी कि ये क्या है, बोर्ड में उसके नंबर कम आएंगे। वो अपनी सोच को इस्तेमाल करेगा, वो अपनी सोच का कोई ऐसे लिखेगा जिसमें उसकी ओरिजिनलिटी होगी, तो उससे क्वेश्चन किया जाएगा कि ऐसा क्यों सोच रहे हो, जो कह रहे हैं वो करो, तो फिर उसको दबा दिया गया है, उसको बिल्कुल KHREWS की टीम जो आई है आपके पास, इन्होंने आपको एक तोहफा भी दिया था, और ये जो कुछ करने जा रहे हैं इसको कैसे आप सराहते हैं? ये तो सिर्फ वो रख रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और आप ये के लिए लोगों की गैरत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं करने जा रहे, कोई ऐसी चीज तो नहीं। आप इनके इस काम को कैसे सराहते हैं?
हर नौजवान बिल्कुल देखिए नौजवान उठेंगे उनकी गैरत देखिए नौजवानी का जोश होता है नौजवानी का वो होता है ये अगर मिसगाइड हो जाए तो ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है तो इसको हमें गाइड करना है लेकिन उसको रास्ता भी देना है निकलने का घोट के मारना नहीं है कि बस जो हम कह रहे हैं तो और यही मैं चाहती हूँ देखिए आफिया मूवमेंट हुई या टी माफिया हुई तो हमारा मंशूर हमारी हर चीज़ जो है ना वो ये दिखाना चाहती है कि आफिया के केस को एक एक कसौटी के तौर पे रख के दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि महज़ब तरीके से जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के दायरे के अंदर रह के पूरा मन तरीके से आफिया को वापस लाएंगे पीस थ्रू जस्टिस हुक्मरानों से उम्मीद है मौजूदा करेंगे ये आप अभी आ रहे हैं मुझे अल्लाह की जात से आपसे वादे भी बड़े करेंगे वो जी अभी भी बहुत वादे हो रहे हैं बहुत सब दौरे भी हो रहे हैं और सब कुछ लेकिन चीज ये है कि देखिये मैं अभी तक हूँ ना वरना 20 साल में अगर सिर्फ हुक्मरानों पे उम्मीद होती तो मैं तो मर खप के ख़त्म हो गई होती या मायूसी में डिप्रेशन की शिकार होती मुझे तो अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है अल्लाह ने जो करना है ना होना तो वही है जब अल्लाह ने कुन कहना है फया कुन होना है अल्लाह के यहाँ फतह और शिकस्त जो है ना उसका मैार ही कुछ और है सबसे बड़ा फातह कौन है हज़रत इमाम हुसैन जो सबसे बड़े शहीद तो ये फतह हक का काफिला तो बहुत छोटा सा होता है मुट्ठी भर होता है कभी पूरी दुनिया पे आप हुकूमत करता है और कभी वो हौज़े कौसर का बादशाह बन जाता है खैर वो हमारी बहन है हमारे लिए भी तो वो एक आजमाइश है ना तो अच्छा पूछा जाएगा हमारा है अमल हमारे दिल की नियत प्योरिटी ऑफ द हार्ट के साथ हम करते रहे आफिया के लिए अल्लाह के हाँ अजर लेंगे आफिया दुनिया में आ जाती है प्लस बोनस चलें लास्ट क्वेश्चन है आपकी मैंने एक बात सुनी थी कि जो जमात पहले कुछ करके दिखाएगी ठीक है वादे तो बड़े करते रहते हैं तो एक जमात है तहरीक लबिक पाकिस्तान उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी एक तो उन्होंने मार्च भी निकाला खूसन उनका जो पॉइंट्स थे उनमें ये भी हाईलाइट था और टॉप के में क्या जी डॉक्टर आफिया के लिए खत लिखा जाए हुकूमत को कहा गया था और इसके अलावा खादिम हसन रिजवी साहब को देखें मैं तो कहता हूं कि उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया था इस चीज़ को और नौजवानों में बताया तो आप क्या समझती हैं कि एक जमात कोशिश कर नहीं रही हम देखिए रहा खादिम हुसैन रिजवी साहब का अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे वो हमारे घर भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने जो इज्जत दी थी और एक हकीकी भाई वाली मोहब्बत वो मोहब्बत जो फील होती है जो मेरी अम्मी ने फील की और उनका जो लॉस था वो अल्लाह ताला ने वही है ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखाना था कि ये भी एक बंदा है दो तीन साल के अंदर सारी दुनिया ने उन्हें देखा भी और अल्लाह ने वापस भी बुला लिया शायद अल्लाह ताला ये नहीं चाहता था कि वो देखें कि आगे क्या हो रहा है और वो उस गम को शायद ना बर्दाश्त कर सकते लेकिन वो एक अजीम इंसान थे एक अजीम लीडर थे और उनकी कमी जो है वो हमेशा महसूस की जाएगी और बाकी उनकी जमात जो है वो आफिया के लिए करती रहती है और सराखों पे और वही वाली बात है कि इस वक्त जो ज़रूरत है कर सारी जमातों ने अपनी अपनी तरफ किया कि हमने ये किया हमने ये मंशूर दिया जी मंशूर दिया हमने ये किया लेकिन ओनरशिप होती है ना ओनरशिप जो है कि आफिया हमारी है और हम नहीं बैठेंगे जब तक वापस नहीं आती वो एक वो है ना ट्रेन है चल रही है ना कल उन्होंने अपने मंशूर में कहा भी है कि हमारा ये मंशूर है बिल्कुल देखें मेरे लिए हर शख्स जो आफिया के लिए कुछ भी करता है वो बहुत है और मैं समझती हूँ कि पूरी कौम को आफिया को कसौटी रख के देखना चाहिए कि हम किसको इलेक्शन में देखें और सिर्फ यही नहीं आफिया का नाम तो सब रखते हैं ना पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखें आया उन्होंने कुछ किया था जब ये कुछ नहीं थे बिकॉज देखें द किंग मेकर्स आर वे स्ट्रॉन्गर देन द किंग्स तो इट इज दोस के बिफोर यू आर इलेक्टेड यू हैव मोर पावर चूंकि अभी आप सब कुछ कह सकते हो वो जैसे वो बच्चों ने स्किट में कहा था ना अभी उनका असर नहीं है उनसे आपको लगता नहीं करेंगे फिर तो
जब आएंगे जब पता चलेगा। ये तो इम्तिहान है, ये इम्तिहान है। हम चले आखिर मुझे ये बता दें, वो जो मार्च था उसके बाद आपका कोई बयान नहीं रद्द अमल नहीं आया? मेरा बयान और मेरा शुक्रिया उस वक्त मिलेगा और उस जमात को मिलेगा जो आफिया को लाके मेरे बराबर खड़ा करे। वापस पाकिस्तान, वापस आफिया आएगी। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए सब्सबाग होता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के करता है ना। अच्छे से अच्छा सिंसियर से सिंसियर बंदा मेरे पास आ जाए, मुझसे कोई कहता है कि जी आप ये कर लें, आप ये कर लें, मैं कहती हूँ आप नहीं कर सकते क्या? मैं तो 20 साल से कर ही रही हूँ, यू नो इट हर्ट्स। चलिए बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, तो मेरे साथ थी डॉक्टर फौजिया साहिबा जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है। कुछ अहम सवाल थे जो उनके सामने रखे हैं और आने वाला जो इलेक्शन है उसके हवाले से मंशूर भी है, तो ये तो अब क्लियरली उन्होंने बता दिया है। अब ये सुनने वालों पर डिपेंड करता है वो कैसे इसको कैच करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आपने पैगाम को इनके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपनी राय का इजहार लाजमी करना।